नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रतीक नॉलेज टेक पर। कंप्यूटर में सिक्योरिटी बहुत एक आम बात हो गई है। लोग बाग आजकल कंप्यूटर में पासवर्ड डालकर रखते हैं ताकि आप अपने सिस्टम को किसी जो अनऑथराइज एक्सेस करना चाहते हैं आपके सिस्टम, या कोई पर्सन दूसरा पर्सन यदि आपके सिस्टम को यूज करना चाहता है तो आप अपने डाटा को उससे सुरक्षित रख सकते हैं पासवर्ड का यूज करके। क्योंकि पासवर्ड से क्या होता है कि आपका जो डाटा वगैरह होता है वो सिक्योर हो जाता है और आपकी डिवाइस भी सिक्योर रहती है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि विंडोज 10 में आप इस पासवर्ड ऑप्शंस का यूज करके आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे। इस स्टार्ट बटन में आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडोज मतलब दिखाई देगी। इसमें आप इस अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडोज ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है साइन इन का ऑप्शन। इस साइन इन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कई ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि विंडोज हेलो फेस, विंडोज हेलो फिंगरप्रिंट्स, विंडोज हेलो पेन, फिर सिक्योरिटी की, पासवर्ड और पिक्चर पासवर्ड। ये आपको 6 टाइप के पासवर्ड डालने के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप इन सभी 6 ऑप्शंस का यूज करके आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन ये वाला ऑप्शंस देखेंगे जो लिखा हुआ है, ये की बनी हुई है, इस पे लिखा हुआ है पासवर्ड। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा चेंज का। आप चेंज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं चेंज चेंज पे क्लिक करा तो मेरा को और मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पासवर्ड डाला हुआ है तो वो मुझसे करेंट पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं इसमें करेंट पासवर्ड डाल देता हूँ। और इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे वो दे रहा है कि चेंज योर पासवर्ड। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाल सकते हैं, कंफर्म पासवर्ड करेंगे और पासवर्ड एक हिंट डाल देंगे। हिंट इसलिए आपसे पूछता है कि आप बाई चांस कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको वो हिंट से बता देगा कि आपका पासवर्ड ये, मतलब हिंट में कुछ हिंट शो कर देगा कि आपके पासवर्ड में ये चीज आपने डाली थी। तो आप वहां से आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं।